8 दिनों में बड़ा ही मान सम्मान दिया, अपनी बेटी अपनी बहन बना करके रखा। और यहाँ की कमेटी ने बड़ा मेरा सम्मान किया, बड़े भैया आदरणीय दर्शन सिंह बौद्ध भैया जी ने भी मुझे अपने यहाँ बुला करके अपने ग्राम दलेर नगर पुखराया कानपुर देहात में बुला करके मेरा बड़ा मान सम्मान किया। एक बार दर्शन सिंह बौद्ध भैया और समस्त कमेटी के लिए, यहाँ की माताओं के लिए और हमारी बड़ी दीदी परम सम्मानीय आशा रत्ना दीदी जी जो शिक्षक हैं, इनके माध्यम से हमारा आगमन आप लोगों के बीच में हुआ। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इस 8 दिन के कार्यक्रम में इस बहन रागिनी बौद्ध कथा वाचिका से कथा कहने में या हमारे स्टाफ से साज बजाने में या झांकी दिखाने में कोई त्रुटि बन गई हो तो उसके लिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। बहन अपनी बहन समझ के, भाई अपनी बहन समझ के, माता अपनी बेटी समझ के, पिता अपना बेटा समझ के मुझे माफ करना, क्योंकि माताओं बहनों में कोई ज्यादा बड़ी विद्वान नहीं हूँ, ज्यादा बड़ी कोई कलाकार कोई वक्ता नहीं हूँ। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है अधिकांश गलतियां उसी से हो जाती हैं। कुछ ना कुछ अपशब्द जरूर निकल जाता है। अगर हमसे कुछ अपशब्द जल्दबाजी में निकल गया हो या हमारी किसी टीम से या किसी भी कलाकारों से निकल गया हो तो मैं समस्त कमेटी से कहना चाहूंगी कि मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ करना। मैं आप लोगों में ही पली बड़ी हुई हूँ। चलते चलते दो शब्दों में अपना परिचय देना चाहूंगी। कहना चाहूंगी कि हमारा आपका मिलन जो था, इन्हीं 8 दिनों का मिलन था। अगर इन 8 दिनों के अंदर हमसे कोई भूल हुई हो उसके लिए हम माफी चाहते हैं कि मिलन 8 दिन का। कहना है सभी भाइयों से, माताओं बहनों से, मिलन 8 दिन का हमारा तुम्हारा। बहनों, मैं कोई ज्यादा बड़ी विद्वान नहीं हूँ, समाज से निकल कर के बाहर आई हूँ, आप लोगों में ही पली बड़ी हुई हूँ, आप लोगों से ही सीखा है, कहना है। जरूर होगी, कहते हैं फूल खिलते ही चमन में खिलते रहेंगे, फूल खिलते ही चमन में खिलते रहेंगे, अगर हम लोग आपस में जिंदा रहे तो दोबारा मिलते रहेंगे, कहना है। अरे एक ये रज है भैया मेरे, फूल बहन को न जइयो, कहना है सभी भाइयों से माताओं से यही बार बार। अरे एक ये रजी
भैया मेरे भूल बिटिया को न जइयो, अरे मौका लगे काउ दिन फिर सी रागनी को बोलो भैया। और यहाँ की कमेटी ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, यहाँ की माताओं बहनों ने मुझे मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। अरे एक अरजे माताओं की भूल हमें मत जइयो, अरे मौका लगे काउ दिन फिर सी रागनी को नहीं हूँ। अरे ना हूँ मैं, अरे कोई गायिका ना हूँ कोई गीना, अरे आजी आपके सम्मुख बैठी बन के छोटी बहना। और चलते चलते यही मेरा कहना है, सिंह ग्रामी हमारो, हमारा नाम रागनी बहुत कथावाच का है और ग्राम हमारा नंगला सिंह उरेंग निवाड़ी के पास में पड़ता है और जनपद हमारा इटावा है। अरे नाम रागनी बहुत मिरो नंगला सिंह ग्रामी हमारो, अरे कैमरा चलाए रहो मोनू भैया जो प्राणन को प्यारो। हम चार बहन भाई हैं, तीन बहनें एक भाई है जो वीडियो बना रहा है, जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है और जो हमारे समक्ष में बैठे हैं हमारे पिताजी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमारी पिता मेरे नंगला सिंह ग्राम बसैया, हमारे आदरणीय पिताजी का नाम है ब्रजेश कुमार बौद्ध जो ग्राम नंगला सिंह के रहने वाले हैं। ब्रजेश कुमारी पिता मेरे नंगला सिंह धाम बसैया, अरे कैमरा चलाए रहो भैया मेरो ये कई मेरो भैया। और बोलना चाहूंगी आदरणीय सम्मानीय बड़ी दीदी आशा रत्ना दीदी दी जो शिक्षक हैं, जिनके मकान में मैं 8 दिन तक रही, बहन जी ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, एक बड़ी बहन का प्यार दिया। तो कहना यही है कि बहन इस बहन को आपने छोटी बहन बना करके रखा, इसे बुला मत देना। अरे एक ये बहना मेरी भूल बहन को न जइयो, दीदी मेरी भूल बहन को न जइयो, अरे मौका लगे काम दिन फिर से रागनी को भूलो भैया। अरे प्यास में बैठी छोटी बहना जानू बहुत कहाई, जो हमारी समक्ष में बगल में बैठी है हमारी छोटी बहन साई कथावाच का जानू बहुत। अरे पास में बैठी छोटी बहन जानू बहुत कही, अरे 8 दिन मिलकर बहना ने तीनों शादी निभाई। Yeah।
की मधुरी दिखाई। अरे सुंदरीपुरी के रहने वाले जिला इटावा के प्रदीप है भीमराव बौद्धाचार्य जो ग्राम सुंदरपुर जनपद इटावा के रहने वाले हैं, जो बाबा साहब का अपने करते हैं। अरे मेरे भैया सोनो तू पानी ने ढोलक की मधुरी बजाई। अरे मेरे भैया सोनो तू पानी ने ढोलक की मधुरी बजाई। कमपुरी के रहने वाले जिला मोरैया के टैलेंट मस्ताना चीता प्रवाद की कर रहे हैं। अरे मेरे भैया शैलेंद्र मस्ताना ने चिमटा मधुरी बजायो। अरे बंगलन के ये रहने वाले जिला मोरैया के भैया मोहित जो ग्राम मलखानपुर रसूलाबाद जिला कानपुर के रहने वाले हैं। अरे मेरे भैया मोहित ने की जाकी मधुरी दिखाई। अरे मलखानपुर के रहने वाले जिला कानपुर के साजन जो है जीकर पर बात की कर रहा है। अरे मेरे लाला साजन ने की जीका मधुरी बजायो। अरे अटिशु का ये रहने वाला जिला मोरैया दिखाई। जो भैया सागर अभी माता रमाई का अपने कर रहे थे, ये ग्राम धर्मपुर के रहने वाले हैं जिला कानपुर के। अरे मेरे भैया सागर ने की जागी मधुरी दिखाई। अरे धर्मपुर के रहने वाले जिला कानपुर के आई। अरे
टिशु का ये रहने वाला जिला हो रैया कहलाए। और यही हमारा आप लोगों से चलते चलते कहना है, अरे दलील नगर की जन्म मो मजाई रागिनी करे नमस्ते। आप लोगों ने वास्तव में मुझे बड़ा मान सम्मान बड़ा प्यार दिया, बड़ा इसने दिया, तो चलते चलते यही कहना है सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, अरे ग्राम दलन नगर की जन्म मो मजाई रागिनी करती नमस्ते। अरे आज यहाँ से हम तो जाई रहे कछु रोते कछु हंसते। अरे चलती बेरान जरी भर के देख लियो, चलती बेरान जरी भर के देख लियो। नजर भर के देख ले जय भी भीम बोल ले। अरे चलती तेरा नजर भर के देख ले, चलती तेरा नजर भर के देख ले। रागिनी जाती अपने दाम सभी को जे भी मुझे।